Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the demand of Moina Tait, ये problem differential calculus के successive differentiation chapter से है. इसमें Leibniz theorem का use होगा. If y is equal to sin inverse x upon square root 1 minus x square, prove that 1 minus x square y n plus 1 minus 2n plus 1 x into y n minus n square times y n minus 1 is equal to 0. तो इसको हमें प्रूव करना है, ये हमको दे रखा है. तो जो वैल्यू गिविन है वो लिख लेते हैं. द गिविन, वी आर गिविन दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ देंगे और स्क्वायर रूट से छुटकारा पाने के लिए दोनों साइड में होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दीजिए. दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा. और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा और राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स एक्स का होल ऑफ स्क्वायर. तो पहले तो हम इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट और सेकंड इसको अप्लाई करके लगा देंगे. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और जितनी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगी, नहीं वन बचेगी, वन लिखेंगे नहीं. लेकिन ये एक्स नहीं था इसलिए दोबारा से वाई का डिफ्रेंशिएशन, जिसको हम लोग वाई वन से डिनोट करेंगे, जो कि वाई का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन को डिनोट कर रहा है. यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन का दो जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स हो गया. अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी इसको एक्स मान के करेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स होता है, यानी पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम होके यानी वन पावर आ जाएगी. लेकिन एक्स नहीं है ये, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपान स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. और इस वैल्यू को हम पहचाने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करें और इस वैल्यू को पहचाने. तो ये वैल्यू अगर 2 को हम अलग कर देंगे तो देखेंगे इसका 1 में जब इंटू होगा तो साइन इनवर्स एक्स अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है, हम लोगों को समझ में आ गई होगी इक्वेशन नंबर 1 से. ये वैल्यू वाई के बराबर है और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू में ये जो प्लस है वो इस बार माइनस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स वाई वाई वन और माइनस हो जाएगा 2x को पहले लिख दिया इंटू वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड को हम पहले लिख चुके थे. अब इक्वेशन नंबर हम अगर 1 का यूज़ करें तो ये वैल्यू y के इक्वल है और हम यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे 2 और y हमें कॉमन मिल रहा है तो हमारे पास ब्रेकेट में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो पहले से एक ब्रेकेट में है और y1 बचेगा माइनस, इसमें से 2 और y कॉमन लिया तो x y बच रहा है. और यहाँ पर वे इक्वेशन नंबर 1 का अगर हम यूज़ करें तो ये वैल्यू y के इक्वल है, हम यहाँ पर लिख देंगे हमने अभी यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 1. और देखेंगे कि 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ 1 आ जाएगा और इस 1 को हम लिख लेंगे और राइट हैंड साइड से लेफ्ट में इसको ट्रांसपोज भी कर देंगे और इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन और माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1. और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे एक इक्वेशन या ना भी ले जाएं फिर भी हम इसको, क्योंकि n प्लस 1 टाइम्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है तो n टाइम्स और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा और उसके लिए हम लेबनीज थ्योरम का यूज़ करेंगे. तो इसलिए हम लिखते हैं कि अगले पेज पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट n टाइम्स y विद रिस्पेक्ट टू x y
यूज़ ऑफ लेबनिट्ज़ थ्योरम का यूज़ करते हुए इसको हम एन बाय डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये तीन टर्म है, दो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में है, तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एन बार। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, डी एन लिख देंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन, डिफरेंशिएशन सेकेंड वाले टर्म का यानी एक्स वाई का, और राइट हैंड साइड में ये एक टर्म और है उसका डिफरेंशिएशन करना, और सभी का एन टाइम डिफरेंशिएशन जैसा कि हमने ऊपर लिखा है डिफरेंशिएशन करना। वैसे भी हमें जो प्रूव करना है उसमें एन प्लस वन टाइम डिफरेंशिएशन आ रहा है, उसमें से एक बार हम कर चुके थे, इसलिए अब हमारे लिए एन बार डिफरेंशिएशन करना बाकी था। तो एन बार अब डिफरेंशिएशन हमने इसका किया, करने जा रहे हैं, यहाँ पर यानी अप्लाई कर दिया है। अब लेबनिट्ज़ थ्योरम का जब यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर देखना होता है कि दो दो फंक्शन हैं, तो उस फंक्शन को एक यू होता है दूसरा वी होता है लेबनिट्ज़ थ्योरम में, तो वी उसको मानते हैं जिसका हम कुछ टर्म के बाद देखेंगे डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाता है। तो हम देखेंगे वाई का तो बढ़ता जाएगा, ये तो ज़ीरो होगा नहीं, इसका हम देखेंगे तीसरी बार डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाता है, इसलिए हम इसको वी मानेंगे लेबनिट्ज़ थ्योरम का, और इसको इस तरीके से लिख देंगे एन सी ज़ीरो, क्योंकि एन बार डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, और इस टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है एन बार, और इसको अभी एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो इस वाई वन को यू को यानी एन बार डिफरेंशिएशन, और इसको हम एक बार भी अभी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि अभी कई टर्म आएंगे, प्लस फिर एन सी वन इस टर्म को देख के अगला टर्म लिख देंगे, और अब इसमें एक कम हो जाएगा, अभी तो इसमें से इसे माइनस किया तो एन आया, वो ये हो गया, और इसमें ज़ीरो बार डिफरेंशिएशन का। अब इसमें वाई वन का डिफरेंशिएशन कितने बार होगा, एन माइनस वन टाइम्स होगा, इसमें से ये माइनस करके देख सकते हैं वाई वन का डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन होगा वन टाइम्स होगा, एक बार होगा डिफरेंशिएशन इस वन माइनस एक्स स्क्वायर का, प्लस अगला टर्म और भी आएगा यहाँ पर एन सी टू होगा, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा एन माइनस टू बार डिफरेंशिएशन और बाई वन का होगा, और दो बार डिफरेंशिएशन, ये टू लिखा है, दो बार डिफरेंशिएशन होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का। इसके बाद टर्म आगे लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका अगर हम दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी टू है, और दो से ज़्यादा करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हमारा ये इस जो फंक्शन का एन बार डिफरेंशिएशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, आगे के सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। अब माइनस के बाद ये वाला टर्म जो है इसको भी इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी एन सी ज़ीरो लिखेंगे, और एक्स को यानी हम वाई को पहले एन बार डिफरेंशिएशन करेंगे और एक्स को एज इट लिख देंगे, प्लस फिर एन सी वन आएगा, इसको देख के लिख रहे हैं, और एन माइनस वन यानी इसमें से इसे माइनस किया, वाई का डिफरेंशिएशन होगा, और एक बार डिफरेंशिएशन एक्स का हो जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा यहाँ पर, अगली बार में ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए, बस यहीं तक कंप्लीट हो गया, और जो कॉन्स्टेंट है इसका तो एक ही बार डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका तो एन बार करना है तो ज़ीरो ही रहेगा। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस कैलकुलेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो एन सी ज़ीरो की वैल्यू वन के बराबर होती है, यानी अगर ज़ीरो है तो ऊपर कुछ भी हो वैल्यू वन होती है, और इसका एन वाई वन का एन बार डिफरेंसेस करेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी वाई एन प्लस वन आ जाएगा, और इसको एज इट वन माइनस एक्स स्क्वायर को लिख दें, और ये जब वन होता है तो ऊपर जो नंबर लिखा होता वही आ जाता है एन, यानी एन सी वन की वैल्यू एन होती है, ये इंडेक्स इसमें जुड़ जाएगा तो वन से वन कैंसिल होके वाई एन आ जाएगा, इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन का तो ज़ीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो गया, प्लस एन सी टू की वैल्यू लिखना है तो एन लिखें, दो हैं तो दो फैक्टर आएंगे, एक ही हो गया, दूसरा हो जाएगा इससे एक कम एन माइनस वन अपान में वन इंटू टू, ये अगर इतना लिखा हुआ है इस तरीके से इसे ओपन किया जाता है, और इसमें ये इंडेक्स जुड़ेगा तो वाई एन माइनस का वन बचेगा, और देखा कि हमने वन माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन आ गया था इतना, अब एक बार और जब करेंगे तो इसी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और लिख दीजिए माइनस टू कॉन्स्टेंट है, एक्स का तो डिफरेंशिएशन वन हो गया। तो यहाँ तक इस ब्रैकेट तक ये बात हो गई है, अब अगला ब्रैकेट माइनस के बाद शुरू होता है, और ज़ीरो है तो हमने बताया ऊपर कुछ भी लिखा हो ये वैल्यू वन के इक्वल होती है, और ये इंडेक्स यहाँ पर रह के जुड़ जाएगा, यानी वाई एन इंटू एक्स हो जाएगा, और एन सी वन वन है तो ऊपर जो लिखा है वही आ जाता है, और ये इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा, यानी वाई एन माइनस वन, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ज़ीरो है।
अब इन ब्रैकेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हटाएंगे जब तो इस फैक्टर को पहले लिख दें तो आ जाएगा 1 - x² y n + 1, क्योंकि जैसा प्रूव करना है उस जैसा हमने बनाने के लिए इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है तो माइनस का 2 पहले लिख दीजिए और x n लिखेंगे और फिर x लिखेंगे और y n हो जाएगा, और देखेंगे ये 2 × 1 2 हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा कम्प्लीटली, अब ये फैक्टर बचे हैं और ये माइनस बचा है, ये माइनस इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा और बचे हैं एन एन माइनस वन इंटू वाई एन माइनस वन, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स वाई एन हो जाएगा और ये माइनस का एन टाइम्स वाई एन माइनस वन, और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 - x² y n + 1, और इन दोनों टर्म्स को पास पास लिख देंगे, यानी -2nxyn और -xyn, अब इन दोनों टर्म्स को पास पास लिख देंगे n n माइनस वन वाई एन माइनस वन माइनस एन वाई एन माइनस वन, राइट हैंड साइड में 0, तो 1 - x² y n + 1, और इन दोनों में से एक्स कॉमन नज़र आ रहा है और यहाँ पर माइनस भी, माइनस यहाँ पर हमने बाहर ले लिया है तो हमारे पास इधर 2n बचेगा क्योंकि हमने एक्स और वाई एन दोनों ही कॉमन लिए हैं, और माइनस बाहर निकल गया तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा तो 1 बचा क्योंकि हमने एक्स वाई एन पूरा पूरा बाहर ले लिया इन दोनों टर्म्स में से। अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस एन को हम लेफ्ट हैंड साइड बाहर ले रहे हैं और राइट हैंड साइड में वाई एन माइनस वन कॉमन ले रहे हैं, तो इस वाले ब्रैकेट में बचेगा एन माइनस वन, वो लिख लिया, माइनस क्योंकि बाहर निकल चुका है तो ये माइनस जो होगा वो प्लस में बदल जाएगा, यहाँ पर पूरा एन इधर से बाहर ले लिया और वाई एन माइनस वन इधर बाहर ले लिया तो इधर सिर्फ 1 बचेगा, राइट हैंड साइड में 0, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस 1, और जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ वैल्यू आ रही है 1 - x² उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, n + 1 - 2n + 1 × x y n हो गया और माइनस n इंटू n करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। यस, यही वैल्यू हमें प्रूव करना थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाकरुद्दाबाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।